नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए आज आपको ले चलते हैं गरीब ज्ञानचंद राणा, जो महीने से बीमार है, जिसे सुध लेने के लिए अब तक किसी ने जरूरत नहीं समझी। वहीं कुछ लोगों के द्वारा आर्थिक मदद व दवाई उपलब्ध करवाई गई। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व बीएनबी के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए गरीब ज्ञानचंद राणा के परिवार की दयनीय स्थिति प्रकाशित की थी। इस पर कुछ लोगों ने मानवता का परिचय दिया है, जिसमें रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी के द्वारा 280 वाले ने 201 रुपए, प्रकाश मंडल ने 51 रुपए, प्रभा डायरी के मैनेजर बीरबल यादव के द्वारा 201 रुपए, मुकेश कुमार साहब के द्वारा 150 रुपए, मुन्ना जाधव के द्वारा 201 रुपए, जमीर अंसारी के द्वारा 201 रुपए, कुल राशि 1500 से 10 रुपए दी गई है। वहीं समाज सेवी रुपेश सिंह के द्वारा मेडिसिन की दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। इधर सहयोगकर्ताओं को गरीब ज्ञानचंद राणा के परिवार ने दुआएं दी हैं और आभार जताया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गरीब ज्ञानचंद राणा और उनके परिवार और अन्य लोग। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। ज्ञात हो कि बीएनबी ने पूर्व में भी प्रकाशित किया था गरीब ज्ञानचंद राणा, जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है और पैर पूरी तरह दिव्यांग हो गया है, और इसके मदद के लिए बीएनबी ने मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन बीएनबी खुद उलझनों में पड़ जाने के कारण और बीएनबी के साथ आकस्मिक दुर्घटना हो जाने के कारण देर कर दिया है। तो जानकारी दे दें कि लोगों ने मानवता का परिचय दिया है, लेकिन बहुत कम दिया है। एक से एक लोग जुड़े हैं बीएनबी में और बहुत धनाढ्य परिवार के लोग हैं, बहुत एक से एक पैसे वाले हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन मदद के बात जब आती है तो मदद के लिए पीछे हट जाते हैं। ये परंपरा रही है लोगों का और ये फिर इस बार भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने मदद दिया है। वो मदद इस प्रकार है, टोटल 1510 रुपये यहाँ पर हमारे पास आए हैं नगद। कोई 300 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 100 रुपया करके दिए हैं, 1510 रुपया। और मानवता का परिचय रुपेश सिंह समाजसेवी ने दिया है, जो दवाई और मेडिसिन ला करके दिया है। जो देख पा रहे हैं ये दवाई सारा मेडिसिन ये दे रहे हैं अपने तरफ से, और ये दवाई है इनके, और इनको पैसा भी सुपुर्द कर रहे हैं। ये दवाई देख पा रहे हैं आप, ये दवाई सब दे रहे हैं इनको पीने खाने के लिए। और निश्चित रूप से ये मानवता का परिचय दिया है इन्होंने। ये दवाई बाबू तुम लोग खाना, ठीक है, ये दवाई खाना तुम लोग। ये रुपेश भैया की तरफ से दवाई है तुम लोग के लिए, और आप देख पा रहे हैं। और ये पैसा ये तुम्हारे आया है 1510 रुपये बाबू, ठीक है ना, 10 रुपये इसमें कम है, 10 रुपया होगा तो रुपेश भैया दे दीजिएगा इनको, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं आप, इन्हीं को दिया गया है। और कहते तो बहुत है कि हम बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कुछ होने जाने वाला है नहीं। मदद की जब बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, ये बड़ा खराब लगा। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी मदद आया मदद इन तक पहुँचाया गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास भी हो तो मानवता का परिचय पुनः फिर दे सकते हैं। लेकिन मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि सड़क दुर्घटना में ये घायल हो गए थे। घुटिया के ये ज्ञानचंद राणा हैं और इनका पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दिव्यांग हो गए हैं पैरों से। इनकी धर्मपत्नी है आशा देवी, जो मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीविकापार्जन कर रही है। रुपेश सिंह से मदद की गुहार हमने लगाई थी कि इनको मदद की जाए, तो इन्होंने दवाई मेडिसिन ला करके दिया। इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे रुपेश भैया, थोड़ा दोस्तों बताइएगा। जैसा आप सभी को भी जानकारी है और हमें भी जानकारी बीएनबी के माध्यम से कुछ दिन पहले मिली थी कि क्या नाम है इनका, ज्ञानचंद राणा है, जो बेंगाबाद के बगल घुटिया के रहने वाले हैं, जिनका सड़क दुर्घटना में पैर टूट गया था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। और मुझे जानकारी मिली थी तो हमने जगन्नाथ भाई को पहले भी बोला था कि हमसे जो भी संभव हो पाएगा दवा मेडिसिन मैं देने का प्रयास करूंगा, और उसी वही वादे के मुताबिक आज हमसे जो भी बन पा रहा है मेडिसिन, हमसे पॉसिबल, हमसे जो हो पाए हमने अल्लाह के इनको दिया है। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में भी आपको जो भी दवा की ज़रूरत पड़ेगी हमसे, हमको जानकारी दीजिएगा, हमसे जो संभव हो पाएगा हम मदद करेंगे। और साथ ही साथ बीएनबी के माध्यम से पूरे गिरिडीह जिला के अलावा अलग अगल बगल के भी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी के अगल बगल भी अगर कोई ऐसे गरीब निसहाय लोग हैं और दवा की आवश्यकता उन्हें है तो बेफिक्र होकर हमें जानकारी दें। जात पात से उठकर, राजनीति से उठकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं मदद के लिए खड़ा रहूँगा। और साथ ही साथ बीएनबी के पूरी टीम को मैं एक बार नहीं अनेकों बार दिल से धन्यवाद देता हूँ।
कि मैं ऐसा एक नहीं अनेकों केसेस को मैं देखता हूँ कि लोग मतलब ला के सामने लाते हैं, उसके लिए मैं अनेकों बार धन्यवाद दे रहा हूँ। और इनको भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वो आगे भी लाते रहें और दवा की भी जो ज़रूरत है हमें भी जानकारी देते रहें, हमसे जो मदद हो पाएगा आगे भी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि मदद की जहाँ तक बात होती है और हमारा सामने लाने की जो बात होती है, लगातार हम सामने ला रहे हैं गरीबों को, लेकिन मदद करने के लिए हाथ बहुत कम बढ़ रहे हैं। राजनीतिक कि लोगों से मेरा आग्रह होगा, जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा कि जो खास करके अपने अपने क्षेत्र में है वो संभालें, और ऐसे लोग अगर गरीब निसहाय बेसहारा दिव्यांग हैं तो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो धिक्कार है वैसी जनप्रतिनिधि पर, धिक्कार है वो नेतागिरी पर, और धिक्कार है वैसे अपने आप को नेता कहने वाले पर। मैं चाहूंगा कि मदद करें ऐसे लोगों को, और मदद कर एक मानवता इंसानियत का परिचय दें। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू सपोर्टर वाला का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो क्या चीज बोले, बहुत दिन सवाल आके दिए हैं और पैसा भी दिए हैं हमको, कुछ हम कुछ पैसा लाके दिए हैं, 1500 रुपए दिए हैं। जय दिल से शुक्रिया, आपको नमस्कार, आप प्रणाम भी करते हैं। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। जन जन की आवाज को दिलों तक पहुँचाने में हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हाँ, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में।